इन्वायरमेंट सीरीज के फिफ्थ लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पे हम बात करेंगे एनवायरमेंट सेटअप का। प्रीवियस लेक्चर में मैंने व्हाट इज एंड्रॉइड, फीचर्स ऑफ एंड्रॉइड, कोर कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉइड एंड एडवांस कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉइड के बारे में डिस्कस किया था, जिसका सारा लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंट सेटअप के, जहां पे हम इंस्टॉलेशन ऑफ JDK, इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो 3.0 की बात करेंगे। 3.0 द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट सेटिंग। कैसे हम एंड्रॉयड का एनवायरनमेंट सेट करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्या क्या सेटिंग करेंगे, वो सारा चीज़ हम आज के लेक्चर में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन है, एक जावा JDK, सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा JDK। सेकेंड, लेटेस्ट वर्जन जावा JDK का इंस्टॉल कर सकते हैं आप, अभी मैं दिखा दूंगा कैसे करना है। सेकेंड, एंड्रॉयड स्टूडियो, ये भी लेटेस्ट वर्जन आपको इंस्टॉल करना है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है सारा चीज़। थर्ड, ADB ड्राइवर जो कि ऑप्शनल है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका आगे यूज आएगा, मैं बताऊंगा किस चीज़ में यूज आएगा। तो चलिए पहले हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जावा JDK। गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, हम टाइप करेंगे यहाँ पे जावा JDK, सर्च करेंगे जावा JDK, आपका वेबसाइट आ जाएगा oracle.com/technowork। ओरेकल की वेबसाइट पर हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको, मैंने राइट क्लिक करके ओपन कर लिया यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे कि इसका लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ दिखेगा, माउस का कर्सर देखिएगा आप, माउस का जावा प्लेटफॉर्म JDK 9, ये लेटेस्ट वर्जन है 9, इसके पहले 8 वर्जन आ चुका है, तो लेटेस्ट वर्जन हम देखते हैं 9 कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे हम इसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपका पहुँच जाएगा डाउनलोड सेक्शन पे, यहाँ पे हम कर देंगे एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे विंडोज़ के लिए, हर लाइनक्स के लिए भी दिया हुआ है, मैक ओएस के लिए भी दिया हुआ है, विंडोज़ के लिए दिया है, सिलेरियो के लिए दिया है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम डाउनलोड कर लेंगे। हम विंडो यूज़ कर रहे हैं कितने बिट की, ये भी डिपेंड करता है, 64 बिट की अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप JDK 9.0.1 डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है, कैसे आप चेक करेंगे सिस्टम का 32 बिट या 64 बिट, माई कंप्यूटर पर जाएंगे, यहाँ पे कंप्यूटर पे यहाँ प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ दिया होगा। अगर आपका 64 बिट लिखा है, मीन्स आपको 64 बिट का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो 64 बिट के केस में हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपके आपका सिस्टम 32 बिट है तो वहाँ पर 9.0.1 वर्जन आपके इंस्टॉल नहीं होगा, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं 8 वर्जन, जो गूगल पे लिख देंगे यहाँ पे JDK 8.0.0.8, तो ये आपका 8 वर्जन आ जाएगा, इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्जन, अपने 32 बिट के लिए। लेकिन इन जनरल मैक्सिमम सिस्टम आपका हमेशा 64 बिट का होता है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाने के बाद, मैंने ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। इसके बाद इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे हम, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है इसको, आप देखेंगे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखा है, तो मैं यहाँ से सिंपली डबल क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। कुछ भी नहीं करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल में केवल डबल क्लिक आपको नेक्स्ट करना है, वो इंस्टॉल होता चला जाएगा। देखते हैं, नेक्स्ट कर लेंगे हम, यहाँ से आ गया है नेक्स्ट, टोटल हम नेक्स्ट कर लेंगे, सोर्स कोड टोटल इंस्टॉल कर लेंगे, इसको भी इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लेगा। तो यहाँ पे आपका जैसे ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप फाइल ड्राइव चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल जावा JRE 9.0.1 इस फोल्डर में इंस्टॉल्ड हो रहा है, आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप चेंज मत कीजिएगा, ईजी रहेगा आपको, ईजी यहाँ से मिल जाएगा, जस्ट इसके बाद नेक्स्ट कर देना, आपको नेक्स्ट करते हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली JDK आपका इंस्टॉल्ड हो गया, लिख के आ गया है,
इसके अलावा आपको जस्ट इसको क्लोज कर देना है, कुछ नहीं करना है। आप अगर आगे इसके डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आप नेक्स्ट स्टेप करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसको क्लोज करना है। तो फाइनली आपका JDK इंस्टॉल्ड हो गया है। कहाँ पे? सी ड्राइव में आप देख सकते हैं लोकेशन। हम सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ से सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल्स में जावा, जावा के अंदर आपका 9.0.1 जो अभी अभी लेटेस्ट डाउनलोड, जो अभी अभी लेटेस्ट इंस्टॉल हुआ है आपका, उसको हम देख लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे अगर देखें तो इतने सारे फोल्डर बन के आ रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, प्रॉपरली आपका इंस्टॉल्ड हो गया है। इसके बाद जावा का हम पाथ सेट करते हैं। पाथ सेटिंग कैसे करते हैं, वो भी यहीं से करते हैं हम सेट। देख सकते हैं जावा पाथ सेट करना, इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। JDK जो भी इंस्टॉल्ड किया सॉफ्टवेयर फोल्डर, यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे हम। यहाँ से बिन, बिन के जो लोकेशन है, बिन के अंदर जाएंगे हम। बिन के अंदर यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज जाएंगे हम, इसकी कॉपी कर लेंगे इस लोकेशन को, जो लोकेशन यहाँ दिया हुआ है इस लोकेशन को हम कॉपी कर लेंगे। इसके बाद सबको मिनिमाइज कर दे रहे हैं हम। हम आ जाएंगे माई कंप्यूटर पे, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सेटिंग सिस्टम से इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटिंग, यहाँ से हम एक न्यू पाथ सेट करेंगे जहाँ पे हम java_home, और जो मैंने कॉपी किया था वहाँ से लोकेशन, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पाथ सेट हो चुका है, जावा होम पाथ JDK 9.0 सेट हो चुका है। इसको ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे JDK का काम आपका हो गया, मीन JDK आपका सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप JDK इंस्टॉलेशन के बाद मुझ पर आना है, हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करेंगे, गूगल पे जाएंगे अगेन, हम गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल पे हम टाइप कर देंगे एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड स्टूडियो, और आपका फर्स्ट लिंक ही जो आएगा उसी को हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे ओपन हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड का, सिंपली आपका आ जाए डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो 3.0 फॉर विंडोज, कितने एमबी का, 681 MB का है। अब यहाँ पे भी आप नीचे आके देख सकते हैं डाउनलोड पे, जैसे हम यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 64, जो भी सिस्टम आपका होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाउनलोड आ जाएगा। मेरा सिस्टम 64 बिट का है, जैसा मैंने पीछे दिखाया भी आपको। तो ये इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है, 32 बिट के लिए आप लास्ट में आएंगे यहाँ पे, वहाँ पे उसका भी वर्जन दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपका 64 बिट है तो इसको इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज तो अगर 32 बिट है, 32 बिट के लिए इसको इंस्टॉल करेंगे आप, यहाँ पे दिया हुआ है इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा सिस्टम 64 बिट है तो बाय डिफॉल्ट सिंपली डाउनलोड करते हैं यहाँ से। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट, यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया आप देख सकते हैं। तो नियर अबाउट 681 MB का है जो कि डाउनलोड होगा, मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं सीधा उसको डाउनलोडिंग स्टार्ट करता हूँ इंस्टॉलेशन फेज पे। तो मैं आज कैंसिल कर दे रहे हैं इसको, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इंस्टॉल करने इसके, तो हम अपना सॉफ्टवेयर हम रख सकते हैं डाउनलोड करके सब इस लोकेशन पे जहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे। ये वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर रखा हुआ है यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। और तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया, रन का ऑप्शन आ गया, रन हम कर देंगे इसको। रन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज वेट वाइल सेटअप इज लोडिंग, सेटअप लोड होने स्टार्ट हो गया है। लोकेशन पूछ रहा है किस लोकेशन में इंस्टॉल करना है। अगर आपका कोई प्रीवियस वर्जन होगा, यहाँ पर लिख रखा है कि ये वर्जन आप एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, इट इज रिकमेंडेड टू रिमूव ओल्डर वर्जन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो बिफोर कंटिन्यू। मेरे में पहले का प्रीवियस वर्जन 2.0 पड़ा हुआ है, इसलिए ये पूछ रहा है ऐसा। अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये आपका इंस्ट्रक्शन नहीं पूछेगा यहाँ पे। तो मैं उसमें क्या करना है कि प्रीवियस को आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे रिमूव कर दे रहे हैं सिंपली, क्योंकि एंड्रॉयड 3.0 है, एंड्रॉयड 2.0 की मुझे इस टाइम ज़रूरत नहीं है। तो हम उसको अनइंस्टॉल कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट किया मैंने, उसको ओके कर दिया, तो प्रीवियस वर्जन आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा, न्यू वर्जन आ जाएगा। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप नेक्स्ट करेंगे आप।
नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ से आप फिर लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका इसी में इंस्टॉल्ड होने दीजिए इंडोर स्टूडियो जो बाय डिफॉल्ट फोल्डर आ रहा है। इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, अब हम नेक्स्ट करने के बाद ही इंस्टॉल इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, कंप्लीटेड हुआ, मैंने नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया इजीली, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो गया। इसको हम फिनिश कर देंगे, फिनिश करते ही आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड सॉफ्टवेयर है ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑप्शनल है। किस लिए है मैं बता दूँ आपको, कि सपोज एंड्रॉयड में कोई ऐप आप बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, एंड्रॉयड स्टूडियो में इसमें आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसको रन करने के लिए, उसका रिजल्ट देखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो इनबिल्ट वर्चुअल डिवाइस है आपका सॉफ्टवेयर में उसमें हम रन कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में जो भी आपके पास स्मार्टफोन है वहाँ पर भी हम इसको रन कर सकते हैं। तो जब वहाँ पर रन करने के लिए आपको अपने मोबाइल का डेवलपर मोड ऑन करना पड़ेगा, वो भी मैं बता दूंगा प्रैक्टिकल के साथ कैसे करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो डिवाइस है एंड्रॉयड फोन डिवाइस होगा, अगर उस पर रन करना है तो उसको केबल के थ्रू अगर आप मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका ड्राइवर वहाँ पे काम नहीं करता। तो ये ADB ड्राइवर जो है यूनिवर्सल ड्राइवर है जो हर मोबाइल के लिए सपोर्ट करता है, तो इसको इंस्टॉल करने से आपका बेनिफिट है, इजीली कनेक्ट हो जाएगा सिस्टम से। अदरवाइज आप नहीं भी कर सकते हैं, वो बाय डिफॉल्ट आपका जैसे मोबाइल कनेक्ट करते हैं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं टॉपिक में, आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, कैसे हम हेलो प्रोग्राम बनाएंगे, एक दो प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे डिटेल में। तो आज का इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।